बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गेटअप की बात यह है कि मैं बगल में शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ मैं दुल्हा बना हूँ, दो दो दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही हैं। कौन कौन दुल्हन? और मैं रितेश भाई बुलाए तो उन लोगों को कहा कि भाई थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि भाई बुलाए मैं जाके आता हूँ, तो इसलिए मैं दुल्हे के गेटअप में आ गया हूँ। सर आपका दुल्हन का नाम बता दीजिए जरा। दुल्हन दो दो हैं, मधु शर्मा और आम्रपाली दुबे दोनों लोग हैं। फिल्म का नाम है दुल्हा हिंदुस्तानी। वाह वाह, नाम ही है, क्या बात है। पूछिए मैडम। मुझे लगता है दुल्हनिया भी आती तो पूरा एक मंडप की बस कमी थी। हाँ नहीं, वहाँ मंडप लगा है, अगर आप लोग चले तो बाराती बन के शामिल। क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि इन दोनों को भी जाने दीजिए, उन्होंने कहा या तो आप जाओ या तो इन दोनों को जाने दो। वैसे देखा जाए तो सर पूरा परिवार है भोजपुरी का, और सर भी है, दुल्हनिया भी रेडी है, तो फिर मुहूर्त हो ही जाए। मैं तो शादी पे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो लगभग मेरी हर फिल्मों में दो तीन दुल्हन होती ही हैं। सर अभी कितना शादी कर चुके हैं? अभी तक 60-70 हो गया है। और अभी कंटिन्यू है, देखते हैं आगे कंटिन्यू करना है शादी। जी जी, पवन भैया हमको एक बार बताए थे कि मैं पूछा इनसे कि आपको बोलते हैं भोजपुरिया राजा, ये किंग बनने का आपके ख्याल कहाँ से आया? मैं कौन भैया कह रहा कि हम यार हमेशा एक चीज पढ़ी कि राजा लोग जो 100-100 को मेहरा रहे। तो हम इन्हीं से आइडिया लेनी, हम कहीं ठीक बात अब हम राजे बन। राजा बन गई, बन भी गए, आप फिल्म भी आ गई आपका। जी रोमियो राजा कल आ रही है, और आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए। बिल्कुल, रोमियो राजा के लिए जोरदार ताली हो जाए। कौन जी का ये गाना लगातार 3 दिन तक नंबर 1 ट्रेंडिंग पर रही? और सिर्फ 3 दिन ही नहीं रहा, आज भी वो ऐसा गाना बन गया है। मुझे लगता है भोजपुरी के इतिहास में ऐसा गाना कभी नहीं बना, और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पवन सिंह जी को कि इन्होंने भोजपुरी के स्तर को इतना उठा दिया है कि अब गर्व हो रहा है हर किसी को कि भाई पहले हमको लगता था कि सिर्फ पंजाबी में इस तरह के गाने आते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, बहुत अच्छे शूट होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उसमें मॉडल्स होती हैं, पर पवन जी ने वो गर्व हम लोगों को भी दे दिया कि हम लोग भी गर्व कर सके कि हमारे भोजपुरी में भी ऐसा गाना है। तो इसके लिए तो मैं पवन जी के लिए बहुत चाहूँगा कि आप लोग इनको शुभकामना दीजिए, और इन्होंने जिस तरह से रास्ता दिखाया है मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में भोजपुरी में अब इस तरह के गाने बनेंगे जिससे कि भोजपुरी के गानों का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा बढ़ेगा, और इसका श्रेय पवन जी को जाता है। रितेश जी ने बड़ा अच्छा पहल किया है होली मिलन आयोजन करके, ये दूसरी बार है, तो ऐसा कुछ आप भी प्लान कर रहे हैं? मैं तो प्लान बिल्कुल करता हूँ, और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि कुछ एक ऐसा फंक्शन किया जाए जहाँ पे सभी भाई हमारे एकत्रित हों। अभी अभी हम लोग ने BIPL किया लखनऊ में, जहाँ पूरी इंडस्ट्री को हमने एकत्रित करने की कोशिश की थी। अभी रितेश भाई ने यहाँ पे सबको एकत्रित किया है, तो हम सब अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं कि बीच बीच में हम लोग जो है पूरी इंडस्ट्री एक साथ मिलन हो और मिलें और एक दूसरे से सुख दुख बांटे अपना। होली पर आपके छोटे भाई परवेश जी के 3-4 गाने बैक टू बैक आए, आपका कोई गाना? हाँ मेरा आया, 3 गाना मेरा भी आ गया है, पर प्रवेश बोला कि ट्रेंडिंग में 1 पर गाना नहीं आ रहा तो मैं रोज एक गाना डालूंगा ताकि मैं ट्रेंडिंग करूँ। ठीक है भाई, तेरा आइडिया अच्छा है, तू रोज एक गाना निकाला था। हाँ तो है, ठीक अच्छा भी इंडस्ट्री यहाँ पे है गाना। देखिए पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे है, लेकिन एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज चाहे मैं हूँ, पवन भैया हैं, रितेश जी हैं, खेसारी जी हैं, ये जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिनको रास्ता दिया है वो हमारे बीच में है, मनोज तिवारी भैया का लगाया हुआ बाग है, इन्होंने पुनर्जीवन दिया भोजपुरी सिनेमा को, और गायकों को कम से कम एक रास्ता मिला। मैं भी बचपन से सोचता था कि मुझे कुछ एक जूनियर आर्टिस्ट का ही रोल मिल जाए, पर फिल्मों में मिले ये मैं चाहता था, पर ये देन मनोज भैया की है कि जब इन्होंने 17 बड़ा पैसा वाला किया तो वहाँ से गायकों को भी हीरो बनने का मौका मिलना शुरू हुआ, और तब जाके हम लोग आए। तो हम सबके सर्वश्रेष्ठ गायक हमारे बीच में, मैं चाहूँगा भैया आप कुछ थोड़ा तो होता है। सर एक वो गाना आपका बहुत वायरल है, वो गाना सुना दीजिए, बम्बई से बोला था नहीं भैया। आप अपने मन से कुछ भी होली के ऊपर, आप तो सारी पारंपरिक गीतों के। मैं
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसी वजह से भैया अभी थोड़ा होली गाने रहे, मना भी नहीं रहे हैं, उसका रीज़न आप सब भी जानते हैं। तो ठीक है, कभी अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप गा दीजिए सर। मैं गा दी, मेरा एक गाना अभी आया है वो मैं सुना देता हूँ। हजार गारी रे प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।